अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द टेस्टी स्पून। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से चिकन चीज़ स्लाइडर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप वीकेंड्स पे बच्चों को बना के दें, उनको बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इजी रेसिपीज लाती रहूँगी, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। तो इसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। हाँ जी, डो भी हम घर में खुद तैयार करेंगे। 2 कप मैदा लेंगे उसके लिए, और उसके लिए हमें 1.5 टेबल स्पून चाहिए चीनी, 1 टीस्पून हमें नमक चाहिए, 1.5 टेबल स्पून यीस्ट जाएगी, खमीर, 1 अंडा जाएगा, 2 टेबल स्पून इसमें बटर के जाएंगे, और पानी लेंगे हम इसको गूंदने के लिए। ल्यूक वार्म वाटर लेना है आपने। अब हम सबसे पहले इसमें चीनी डालेंगे, उसके साथ साथ यीस्ट शामिल कर देंगे, नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू करेंगे। पहले आपने इसको हाथों की मदद से ही मिक्स करना है। 1 अंडा शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए, अंडा डाल दिया मैंने। उसके बाद अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। जब अंडा आपको लगे अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है मैदे के अंदर, तो अब हम इसमें डाल देंगे नीम गर्म पानी। ल्यूक वार्म वाटर डालना है आपने। थोड़ा थोड़ा डालिएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो डो बिल्कुल लेवी बन जाएगी आपकी। डो को हमने बिल्कुल भी लेवी नहीं बनाना, और ना ही हमने इसको पतला रखना है। इसको हमने आटे की तरह ही रखना है, लेकिन हाथ आपने बड़ा हल्का रखना है इसको गूंदते वक्त। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे इसके अंदर। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मेरी रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए, इसकी कुछ ऐसी शक्ल हो जाएगी। तकरीबन 1/2 जग लगा है मेरा पानी के लिए। अब हम इसके ऊपर बटर डाल देंगे, ताकि ये और भी सॉफ्ट और बड़े स्पॉन्जी बन गए हमारे तैयार होंगे। बटर आपने ऊपर ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना इसके अंदर, और इसको हमने स्टे देना है 3 से 4 घंटे के लिए। ऊपर आपने ये पेपर लगा लेना है। पेपर लगाएंगे तो डो जो है वो आपकी राइस होगी, प्लेट बिल्कुल भी ना रखिएगा ऊपर। ये देखिए, 3 से 4 घंटे हो चुके थे और डो जो है हमारी राइस हो गई है, ऊपर तक आ गई है। हमें इसके लिए मैदा भी चाहिए होगा, मैंने साइड पे प्लेट पे रख दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे बड़ा सा, और सबसे पहले आपने जो फ्लोर है उसके ऊपर मैदा आपने डस्ट कर देना है। जहाँ पे भी आप करें उसको मैदा नीचे डस्ट करें, वरना जो ये डो है वो बहुत चिपकेगी। जैसे जैसे मैं कह रही हूँ आपने वैसे ही करते जाना है, और इसके पेड़े बनाना स्टार्ट कर देने हैं। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसके पेड़े जो हैं वो बन जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी होगा, हाथों के साथ चिपकेगा भी, लेकिन क्यों ना, आज वीकेंड है तो आज आप बच्चों को बना के दें ये शाम में। बच्चे बड़ा इन्जॉय करके ये खाएंगे। बाहर के बर्गर से जान छुड़वाएं और घर में बनाएं, क्योंकि होम मेड इज़ द बेस्ट। अब हमने छोटे छोटे इसके पेड़े रफ से बना लिए हैं। हाथ के ऊपर थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको रोल करते जाएंगे। जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, आपने बिल्कुल वैसा ही बनाना है। इस साइज़ में आपने बनाना है, क्योंकि इसने बाद में राइस भी होना है। एक प्यारी सी डिश लेंगे, आपने वही डिश लेनी है जो आप ओवन में भी रख सकें। ओवन हीट प्रूफ हो ये डिश। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे 6 बना के रख लिए हैं। 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे किसी भी कपड़े के साथ। चिकन की फिलिंग जो है वो 300 ग्राम हमें चिकन क्यूब्स चाहिए। 1 टमाटर, 1 खीरा और 1 प्याज को लेंगे, उनको चॉप कर लेंगे। 1 टीस्पून जो है काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स, दादरी मिर्च जाएगी। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। ये सारा चिकन आपने डाल देना है, और चिकन क्यूब्स में है, याद रखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। चिकन का थोड़ा सा कलर वाइट हुआ है, तभी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं। मेरे ये जो स्पाइसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल थे, आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी रखें। 1 टेबलस्पून जो है वो इसमें सिरका जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगी, और 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस जाएगी। ये देखिए, तीनों सॉस से बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा फिलिंग के अंदर। अब जो मैंने बंस बना के रखे थे वो राइस हो चुके हैं। इसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे, किसी भी ब्रश की मदद से आप लगा लेना। अब हम इसके ऊपर कलवंजी जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि और भी प्यारे बंस की लुक आएगी। दूसरी साइड पे चिकन बन रहा था, इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। अभी आपने सिर्फ प्याज ही डालने हैं, खीरे और टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालने। इसको अच्छी तरह से पका लेंगे।
ओवन को जो है वो मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम इसको बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ब्राउन कलर इन पे आ चुका है। अब हम इनका मॉइस्चर लॉक करने के लिए हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे फटाफट से, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इनके कॉर्नर से इसको काटना शुरू कर देंगे। और मुझे इसके लिए जो है वो दो सॉस चाहिए, मायोनीज़ और केचप, और ठंडा हो गया था चिकन, चीज़ जाएगी, और टमाटर और खीरे रख देंगे हम। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, बड़ा प्यारा सा लग रहे हैं। गोल मटोल से बंस जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। दरमियान से इसको प्यार से आपने कट करना है, क्योंकि डो जो है वो बहुत सॉफ्ट है। ऊपर वाला कवर उतार देंगे, इसके ऊपर सबसे पहले मायोनीज़ लगाना शुरू करेंगे, उसके बाद हम केचप लगाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर कोई सी भी सॉस लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के आएगा। अब इस सॉस को मैं अच्छे से स्प्रेड करना शुरू कर दूँगी। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। सबसे पहले चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी हो तो डाल लें। खीरे रख देंगे और इसके साथ साथ इसमें टमाटर रख देंगे। जो फिलिंग थी हमारी वो ठंडी हो चुकी थी, अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, मैंने सारा कुछ अच्छी तरह से सेट कर लिया है। सबसे ऊपर हम इसकी ये लेयर लगा देंगे बंस वाली, और हमारे चिकन चीज़ स्लाइडर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। काट के कुछ अंदर से ऐसी लुक आ रही है, बहुत ही मज़ेदार बने थे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन कौन सी नई रेसिपी सीखनी है, मैं लेके आऊँगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।